सवाल ये है हाँ? कि हम अभी से उसकी ऐसी तबीयत किस तरह कर सकते हैं कि वो बात में एक अच्छा और जमात के लिए एक अच्छा और काबिल वक्फ साबित हो सके और अपनी तरबियत कर लें उसकी अपी हो जाएगी हैं खुद नमाजें पढ़ो उसको पता हो मेरे बाप मेरी माँ नमाज़ें पढ़ते हैं खुद कुरान करीम पढ़ो माँ कुर करीम पढ़े उनको पता हो कि मेरे माँ बाप कुरान करीम पढ़ते हैं अपने घर में दीन की बातें करते रहो उसको पता होगा हमारे घर में दीनी बातें होती हैं अपने टी वी पर फजू फिल्में और ड्रामे ना देखो उनको भी पता हो कि हमारे घर में फजूल फिल्में और ड्रामे नहीं देखे जाएंगे ये बुरी चीज़ है ठीक है अपना वक्त का सही इस्तेमाल करो पढ़ाई की तरफ मतलब किताबें पढ़ने हैं या दूसरी चीज़ें देखने की जरूरत हो जो हो उनको पता हो और नेक बातें बहुत सारी हैं खुद करें तो बच्चे को भी पता लग जाएगा हम नहीं यही कुछ करना है ठीक है जमात के मतलब तारुफ़ कराएँ हज़रत मसीम की बातें बताएँ आदर रसलम की बातें बताएँ हैं अल्लाह ताली के बारे में बताएँ इस तरह की डिस्कशन करें तो उन उसको उसकी उठान ऐसे माहौल में होगी जो दीनी माहौल होगा ठीक है ना तो यही तरबियत है अगर ख़ुद आप बैठ के रात को देर तक वो फिल्म देखते रहें एक फजूल किस्म की और बच्चों के जाओ बच्चे सो जाओ तुम्हारा वक्त नहीं रहा ग्यारह बजे के बाद अब इस फिल्म को देखने की बच्चों को इजाज़त नहीं है हमारे टी वी आता है हैं तो फिर तो तरबियत नहीं होती